वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिया में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का वैकेंसी आ चुका है, तो आप लोग किस तरह से आवेदन करेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है पूरी जानकारी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इनकी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले बताना चाहूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस के लिए, ताकि जो भी है सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो चल लेके चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बता देते हैं किस तरह से आप लोग इसमें आवेदन करेंगे, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और इसमें जो है सो आवेदन कब से लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम ले यहाँ पे आंगनबाड़ी बहाली 2022 पंचायत स्तर भर्ती आवेदन चालू, केवल आठवीं और दसवीं पास, सीधी भर्ती, कोई परीक्षा नहीं, जल्दी करें आवेदन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं किस तरह से आवेदन करेंगे, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसमें किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते हैं ICDS जो कि आंगनबाड़ी का ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप लोग ओपन करेंगे तो ICDS बिहार लिखेंगे तो आपको आंगनबाड़ी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है बिहार सहायिका सेविका बहाली आठवीं पास, जल्दी करें आवेदन। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे थंबनेल लगा चुका हूँ, आर्टिकल के माध्यम से मैं आप लोग को बता चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते। उसके बाद चलिए मैं आप लोग को नीचे आते हैं, यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे बाल विकास सेवा विभाग जो कि ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसके बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा मिलेगा परियोजना का नाम जो कि बाल विकास परियोजना बेगूसराय। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस आवेदन को कौन कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ है केवल बेगूसराय के इच्छुक उम्मीदवार जो है वही आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म को। ओके फ्रेंड्स, पद का नाम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सेविका सहायिका और यहाँ पे आवेदन करने की तिथि यहाँ पे 5 मई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 21 मई 2022 से। ओके फ्रेंड्स, तो आवेदन जो है सो 5 मई से करेंगे और इसका लास्ट डेट है देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 21 मई तक। ओके, उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है यहाँ पे विज्ञापन, यहाँ कार्य और कार्य की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञापन प्रकाशन तिथि यहाँ पे, यानी कि आवेदन जो होगा 5 मई से, आवेदन की प्रारंभ तिथि जो होता है 5 मई यहाँ पे चालू हो जाएगा, उसके बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे 21 मई जो कि मैं आप लोग को ऊपर बता चुका हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चले नीचे आते हैं, पूरी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा मिलेगा अवबंधित मेधा सूची का प्रकाशन कब किया जाएगा, 24 मई को। ओके, जब आप लोग का आवेदन हो जाएगा तो 3 दिन बाद आप लोग को जो है अपबंधिक मेधा सूची जो प्रकाशन किया जाएगा वो 24 मई को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने की तिथि जो कि 21 मई से लेकर 31 मई तक, अगर आपको कोई आपत्ति है तो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं इतना से इतना तक। ओके, 24 मई से 31 मई तक। ओके, उसके बाद आम सभा की तिथि होता है आवेदन करने के बाद होता है, तो यहाँ पे 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक होगा आम सभा का जो तिथि, इसके बीच रखा जाएगा, उसमें आप लोग को उपस्थित होना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स बिहार आंगनबाड़ी जॉब्स एज लिमिट, यानी कि आप जब आवेदन करेंगे तो उसमें क्या एज होना चाहिए उस, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर रेजुलेक्शन। ओके, तो आप लोग जो है सो 18 से लेके और 40 इसके अंदर जो भी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैट्रिक का मार्कशीट, मूल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मूल निवास है यानी कि आपका जो मैट्रिक का मूल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर विधवा है तो विधवा जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो भी आपको देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र, अगर विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सभी दस्तावेजों को आपको स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद से साइन करना है
और आवेदन के साथ जो है सो आवेदन जो करेंगे उसके साथ सबको अटैच करना है, यहाँ पे लिखा हुआ लिख दिया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको अधिकारी वेबसाइट पर या फिर बाल विकास परियोजना दंडारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। तो आवेदन फॉर्म अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। आप लोग मेरे आर्टिकल इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ओके, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले जो यहाँ पे जो भी जानकारी है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखने लिखा हुआ है, इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है। जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे उसको ध्यानपूर्वक भरना है। उस पर मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज सौ प्रमाणित दस्तावेज को प्रति को अटैच करना, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे, वो सभी पे सेल्फ अटेस्टेड करना, यानी कि सौ प्रमाणित करना है, ओके। उसके बाद और अंत में आपको अपने आवेदन फॉर्म को उसी बाल विकास परियोजना दंडारी में जमा करवाना होगा। यानी कि ये जो है बिहार के बेगूसराय में, बेगूसराय जिला में तेतरी दंडारी प्रखंड में ये वैकेंसी निकला हुआ है, वही जो है स्टूडेंट इसमें वही अभ्यर्थी जो भी हैं वो भर सकते हैं फॉर्म को, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद इसका रसीद प्राप्त करने कर अपने पास रख लेना होगा। इसके इस प्रकार इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स फॉर अप्लाई, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे, ऑफलाइन ही फॉर्म आप लोग को भरना है। चलिए मैं अब आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली सी क्लिक हेयर पे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सो फॉर्म ओपन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ में यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे तेसरी पंचायत प्रखंड दंडारी में जो है ये वार्ड नंबर 3 और 14 में जो है ये फॉर्म निकला हुआ। चलिए मैं पूरी जानकारी मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप लोग को बता देता हूँ, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ विषय प्रखंड दंडारी के पंचायत तेसरी अंतर्गत वार्ड नंबर 3 एवं 14 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराने के संबंध में, ओके। उसके यहाँ पे लेटर लिखा हुआ, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, पूरा जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ। यहाँ पे भी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे क्रम संख्या 1 और 2, यहाँ पे जिला देख सकते हैं बेगूसराय जिला प्रखंड दंडारी, ओके। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का नाम तेसरी देख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, जो कि बेगूसराय जिला में प्रखंड दंडारी जो है उसी पंचायत में तेसरी जो पंचायत है तेसरी, उसमें वार्ड नंबर 3 में और 14 में जो है आंगनबाड़ी का वैकेंसी आ चुका है। केंद्र संख्या 72 और 76 देख सकते हैं। उसके बाद बहु लता जो है यहाँ पे सामान्य, यानी कि जो कैटेगरी है, ओके, वर्ग जो है यहाँ पे सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो व्यक्ति हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, सेविका और सहायिका का देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान प्रकाशन की तिथि वहाँ पे मैं आप लोग को समझा चुका हूँ आर्टिकल के माध्यम से कि 5 मई से आप लोग का आवेदन शुरू हो जाएगा, इसका अंतिम आवेदन का तिथि है 21 मई तक, ओके। उसके बाद मैं आप लोग को बताया कि जो मेधा औपबंधिक मेधा सूची जो निकलेगा वो 24 मई को निकलेगा, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे बताया था कि आपत्ति कोई अगर है तो यहाँ पे 24 से लेकर 31 तक आप लोग जो है सो दे सकते हैं, कोई भी आपत्ति अगर आपको है तो। आम सभा जो मैं आप लोग को आर्टिकल के माध्यम से भी बता चुका हूँ 6 जुलाई और यहाँ पे 8 जुलाई यहाँ पे होगा, ओके। तो इस तरह से आप लोग यहाँ सो आवेदन कर सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं और मैं आप लोग को बता देता हूँ किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म का लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट करके आप लोग यहाँ सो भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ बाल विकास परियोजना, तो यहाँ पे आप लोग बेगूसराय दंडारी प्रखंड ये यहाँ पे लिखेंगे, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पंचायत का नाम लिखेंगे, वार्ड आपका जो भी है यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे केंद्र देख सकते, केंद्र संख्या जो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, आपका केंद्र संख्या जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते फ्रेंड्स। अगर वार्ड नंबर 3 से आते हैं तो आपका केंद्र संख्या 72 हो गया, अगर वार्ड नंबर 14 से आते हैं तीसरी पंचायत से तो यहाँ पे जो है तो आपका 76 हो जाएगा केंद्र संख्या। इस तरह आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पद का नाम जो कि यहाँ पे पद का नाम कौन सा पद पे आप भरना चाहते हैं, सहायिका या सेविका, तो जो भी यहाँ पे भरेंगे यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद अपना नाम लिख लेंगे मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार, ओके फ्रेंड्स। उसके पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पति व्यवसाय क्या करते हैं, या कृषि है या व्यवसाय कुछ नौकरी है अन्य जो भी है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और टिक कर देंगे, ओके फ्रेंड्स।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ ससुर का नाम, आपका ससुर का जो भी नाम है यहाँ पे लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, आपका जो जन्म तिथि है यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ क्या आप जन प्रतिनिधि हैं, अगर हैं तो यस करना, नहीं है तो नहीं पे टिक करना है। ओके, यहाँ पे नहीं लिखना है, नहीं तो है तो हाँ लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे यदि हाँ तो ब्यौरा दें। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या आप कहीं नियोजित हैं, है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें, जो भी है यहाँ पे टिक कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे नहीं हाँ का स्वभाव का जवाब इसमें भर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है आवेदक आवेदिका, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ आवेदिका की मानसिक आय प्रति माह कितना है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स लिखा हुआ रिक्त के प्रकाशन की तिथि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे देख सकते दूरभाष के अंदर यहाँ पे आपको नहीं होगा तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद मतदाता सूची में परिवार जो कि यहाँ पे मुखिया है यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, पति या ससुर का जो भी नाम है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मतदाता सूची में आवेदक का क्रम संख्या कितना है वो भी लिख देंगे। उसके बाद अपना अस्थाई पता यहाँ पे पूरा लिख देंगे, जिला का नाम, पिन कोड, स्थान, राज्य, यहाँ पे सारा चीज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपके पास कितना है, मैट्रिक पास है तो यहाँ पे मैट्रिक जो पास है यहाँ पे लिख देंगे, बोर्ड कौन से बोर्ड से पास किए वो। उसके बाद यहाँ पे स्थान विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस स्कूल से पास हुए। उसके उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी कि किस टाइम आप लोग पास हुए, उसके उत्तीर्ण होने की श्रेणी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्राप्त अंक यहाँ पे जितना भी आया वो यहाँ पे प्रतिशत का जोड़ के लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चले नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ क्या आप भारत के नागरिक हैं, अगर हाँ तो यहाँ पे हाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, हाँ यहाँ पे लिखना है क्योंकि आप बिहार के राज्य निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं जो भी है यहाँ पे लिख देना, सारा चीज यहाँ पे पढ़ के आप लोग लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चले नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, अगर आप लोग शारीरिक अंग से जैसे कि हाथ गोर पैर जो भी लू का टूट जाता है अगर है तो यहाँ पे हाँ, नहीं तो नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे देखते यदि हाँ तो दिव्यांग का स्वरूप अंकित करें यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे नेत्रहीन है या ग्रह गूंगा है या शरीर दिव्यांग है जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दिव्यांग का प्रतिशत आपका जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद वैवाहिक स्थिति अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे जैसे शादीशुदा की स्थिति जो भी है यहाँ पे आप लोग विधवा पतियता विवाहित अन्य जो भी है यहाँ पे टिक कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या आपको किसी अन्य से दंडित किया गया है अथवा नहीं, तो न्यायालय से जो भी अगर आपको दंडित किया गया है या नहीं तो नहीं यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपको पूर्व से चयनित रद्द किया गया था, यानी कि पूर्व में आप फॉर्म भरते उसके रद्द किया गया था तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान यानी कि आपको तेल हो या कहीं कटा उटा का निशान है तो यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आवेदन के साथ जमा किए गए प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित पर सही का निशान लगाएं, तो आप लोग जैसे कि आठवीं का मार्कशीट दे रहे हैं या मैट्रिक का मार्कशीट दे तो यहाँ पे टिक करेंगे। जो भी है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आवासीय विधवा प्रमाण बैंक जो भी सर्टिफिकेट इसमें संलग्न कर रहे हैं आप इसके साथ उसमें टिक कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्व घोषणा पत्र है तो यहाँ पे स्थान का नाम, दिनांक और यहाँ पे आवेदक अपना हस्ताक्षर और यहाँ पे हिंदी में भी कर देंगे। ओके, उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। नीचे आने का प्राप्ति रसीद, तो इस प्राप्ति रसीद को आपको क्या करना है, इसमें अपना नाम, पति का नाम, पंचायत, वार्ड संख्या, केंद्र संख्या जो कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ ऊपर में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जिसकी प्राप्ति संख्या तो ये आपको वहाँ पे भर के दिया जाएगा रिसीविंग ये। ओके, तो इस तरह से आप लोग ऐसा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी हो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बेगूसराय जिले के दंडारी प्रखंड से बिलोंग करते हैं वो अपना जो है सो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।